आज हम लोग दुबई के जो पेंटिंग फोरमैन हैं और पेंटर का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे मालूम करेंगे ये जो पेंटिंग का जो काम है उसके अंदर कैसा लाइफ है, क्या क्या काम है और कितना सैलरी है और कैसा उसका रिक्वायरमेंट्स है, उसके बारे में मालूम करेंगे। हम पहले फोरमैन जी से बात करेंगे। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर दोलन। दुल्हन। ओके, आप कौन सा देश का है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का है। आप यहाँ से पेंटिंग फोरमैन काम कर रहा है, राइट? जी, कितने साल से काम कर रहा है? 10 साल से। 10 साल से पेंटिंग फोरमैन का काम कर रहा है। हाँ, ओके, तो अभी आप पहले एज ए पेंटर ज्वाइन हुआ या पेंटिंग फोरमैन के नहीं, थ्रू? पहले से मैं 3 साल वर्कर के हिसाब से काम किया, उसके बाद 7 साल से मैं फोरमैन का जॉब कर रहा हूँ। ओके, पहले 3 4 साल आप तीन एज ए साल काम पेंटर किया। काम किया, हाँ, उसके बाद आप एज ए पेंटिंग फोरमैन जैसा काम फॉरमेन कर रहा है। जी। तो ओके, पेंटिंग फोरमैन के हिसाब से क्या क्या काम रहता है? फोरमैन का जैसा काम संभालता है उसमें क्या क्या काम रहता है? पेंटिंग फॉरमेन के काम ऐसा, सबसे पहले जो बिल्डिंग में जो काम करता है, कौन सा लोकेशन में, जो कौन सा रूम में ड्राइंग ड्राइंग आता है पेंटिंग का, वो ड्राइंग का हिसाब से चेक करना मांगता है, कौन सा रूम में कौन सा कलर आ रहा है, कौन सा वॉल में कौन सा कलर आ रहा है, ये पहले चेक करना मांगता है। उसके बाद लेबर को भी, वर्कर जो है उसको वो रूम लेके जाके उसको पहले बताना, ये लोकेशन दिखाना है, जो ऐसे ऐसे काम करने का फॉरमैन का सबसे पहले ये जॉब होता है। उसके बाद सेफ्टी साइड में फॉरमैन का जॉब और एक है जो सेफ्टी फॉलो करने, सेफ्टी रूल का हिसाब से काम करने का। ओके, मतलब ये आप बोल रहे हैं पहले आप ड्राइंग चेक करेगा, ड्राइंग में कौन सा कलर आ रहा है, कौन से लोकेशन पे काम है, और ड्राइंग के हिसाब से पहले मालूम करने का, उसके बाद आदमी को लेके जाके उधर काम एलोकेट करने का है, यस, और आदमी का सेफ्टी का भी ध्यान रखने का, ये ध्यान सेफ्टी रखने फोरमैन का जिम्मेदारी है। ओके, फोरमैन का कितना सैलरी है? फॉरमैन का सैलरी सर 2000 से शुरू होके वो 2500, 1500, 600 ऐसा है। यानी स्टार्टिंग 2000 एज ए फोरमैन, पेंटिंग फोरमैन को 2000 दिरहम हाँ, से स्टार्टिंग सैलरी स्टार्टिंग स्टार्ट है, से वहां से लेके 5000 6000 तक सैलरी जाता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। सही है? यस, ओके, आपका लाइफस्टाइल क्या है, मतलब कितने बजे उठता है, कितने बजे आता है, खाना, लाइफ एक मिनट इससे पहले कि आप खाना पानी या मतलब खाना अकोमोडेशन वगैरह कौन कौन कंपनी का है या आपका है? एकोमोडेशन सर कोई कंपनी देता है, कोई कंपनी नहीं देता। हमारा कंपनी पास एकोमोडेशन नहीं है। और दूसरा एक बात, हमारा पेंटिंग का जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल हम लोगों का सुबह 5 बजे उठना मांगता है, उठ के फ्रेश होके उसके बाद आपका नाश्ता पानी हम लोग, कोई आदमी रूम से करके आता है, कोई इधर आके करता है, करके साइड से सुबह 7 बजे से ड्यूटी स्टार्ट होता है। सुबह 7 बजे से ड्यूटी स्टार्ट जी होता है, हाँ, आप 5 बजे उठता 5 बजे है, उठ के हम लोग 6 बजे से गाड़ी उधर से छोड़ता है। 6 बजे में गाड़ी चढ़ता है, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक साइट पे पहुंचता है, और हाँ, 7 बजे से काम शुरू होता है, 5 बजे तक ड्यूटी शाम में स्टार्ट 5 बजे तक ड्यूटी करता है, फिर उसके बाद 6 बजे रूम पे पहुंचता रूम पे है, बसता है। उसके बाद खाना पकाने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, फिर थोड़ी देर घर पे बात करेगा। हाँ, ओके, कितना खर्चा आता है यहाँ पे, मतलब दुबई में खर्चा कितना आता है? दुबई में खाने के लिए सर मैक्सिमम आपका 350 ऐसा खर्चा आता है अच्छा, खाना खाने के लिए दो खाने के सौ से तीन लिए। सौ खाना का आता है, हाँ, और दूसरा खर्चा फोन वगैरह का और फोन दूसरा? वगैरह वो सर आपका ऊपर डिपेंड करेगा, जो नेट है, नेट बिल है, फोन बिल है, दो सौ ये सब फोन का कुछ टोटल मिला के आपका 550 तक आ जाएगा 500 दिरहम से 550 दिरहम तक आपका खर्चा आता है खर्चा खाने के पर मंथ लिए और आएगा। फोन वगैरह के लिए पर मंथ खर्चा। तो एवरेज कितना भेज सकता है घर के लिए? एवरेज से जो लेबर लोग है, लेबर लोग का तकरीबन ज्यादा से अल्लाह ज्यादा सर 15,000 भेज सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जैसे जो वर्कर है, वर्कर लोग एक महीना खाने का सब कुछ भी छोड़ के आपका 1,000 सॉरी 10,000, 15,000 ऐसे भेज फोरमैन का सकते। कितना बचता है एवरेज? 2000 2500 दिरहम बचता है, सही हाँ है? हाँ सही है। तो फोरमैन एज ए फोरमैन 2000 2500 दिरहम बचता है, वो इंडिया का 40 50 हजार होता है, अपने अपने करेंसी के हिसाब से पैसा आगे पीछे पैसा होता है, आगे पीछे होता सही है। है? यस, अच्छा, तो आप जो देख रहे हैं इतना सारे लोग, आपको उन लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कोई आना चाह रहा है पेंटिंग के काम पे, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? पेंटिंग में आने कोई भी आदमी है आने के लिए, उसको पहले मैं एक मैसेज देगा, जो उधर से टेट में आने का काम, पहले उधर से आने से पहले सीख के उसके बाद आने का। इधर लेबर लेबर में आएगा, लेबर के असिस्टेंट वीजा में आएगा तो उसका सैलरी ज्यादा नहीं है, खाने पीने के वो सब कुछ मिला के उसको ज्यादा से उधर मुल्लुक भेजने के लिए 7-8 हजार पैसा ऐसा भेज सकता है।
और ट्रेड में आएगा तो उसका और भी ज्यादा आएगा। यानी आप बोल रहे हैं पेंटर के ट्रेड में आएगा तो उसका सैलरी भी ज्यादा रहेगा और अच्छा सा पैसा भी सेव कर सकता है। अगर वही हेल्पर के काम पे आएगा फिर उसमें पेंटिंग का भी काम करेगा या दूसरा कोई भी काम करेगा तो सैलरी कम मिलेगा, सही है। ओके, आप क्या काम करते हैं? पेंटिंग का काम करते, पेंटर का काम करता है। अच्छा, कितने साल हुआ से काम कर रहे हैं आप दुबई में? दुबई में सर 5 साल हो गया। 5 साल से दुबई में। कौन से देश का है आप? मैं इंडिया का है। इंडिया में? इंडिया में किधर से है? इंडिया में यूपी से। यूपी से? यूपी गोरखपुर से। अच्छा, यहाँ पे पेंटिंग जॉब के लिए कितने साल से काम कर रहा है या 5 साल से काम कर रहा है? ओके, इंडिया से इधर कैसे आया? मैं तो क्लाइंट द्वारा आया, थ्रू एजेंट आया। कितना ले लिया एजेंट? 53,000। यानी लगभग 55,000 रुपए आपको लगाए इधर आने के लिए। उसके अंदर टिकट वगैरह सब उसी के अंदर था? सब उसी के अंदर। इससे पहले दुबई आने से पहले आप किधर कोई दूसरा देश गया था? बहरीन गया था। बहरीन गया था। बहरीन में कितना सैलरी था आपका? उधर 850 दिनार। 85 दिनार यानी 850 दिरहम बनता है। उधर कितने साल काम किया? उधर 2 साल सर। उधर 2 साल काम किया और यहाँ पे दुबई में 5 साल से काम कर रहा है। ओके, तो दुबई में जो काम कर रहा है तो आपका यहाँ पे कितना सैलरी है? इतना इधर मेरा सर 1200 रुपए आता है। 900 बेसिक है, 100 अलाउंस है, 200 रुपए ओवर टाइम आता है। 1200 दिरहम खाने का? 1200-1250 आता है। खाने का उसी में? खाने का उसी में मतलब खाने के लिए 200-250 जाता है आपका, 800-900 दिरहम बचता है। नहीं नहीं सर, हमारा 800-750 बचता है। 750-800 दिरहम बचता है यानी इंडिया का 15-16 हजार रूपए का बचता है। अच्छा, तो विदा लगा कि इधर आ गया पेंटिंग का, यानी पेंटर क्या क्या काम करता है इधर? इधर सर पहले तो पेंटर काम करेगा, पहले जाएगा बिल्डिंग के अंदर जाएगा, पहले उधर जाएगा देखेगा कुछ सामान नहीं है, सामान नहीं है उसके बाद देखेगा, फिर उसके बाद जो हम लोग को बेस बनाना रहता है पहले हम लोग उसको सफाई करेगा, दीवार को सफाई करके प्राइमर डालेगा, प्राइमर डाल के उसके बाद हम लोग पुट्टी करेगा, पुट्टी करने। ओके, दुबई में आप किधर किधर घुमाए? सर हम तो अभी किधर नहीं घूमा, आबू धाबी से अलाइन और 2 बार साथ जा गया। अच्छा, तो दुबई में दादा किधर भी नहीं घूमा? आप घुमाए कहीं पे? मैं घूमा सर तकरीबन 6-7 जगह गया। 6-7 किधर किधर घुमाए? मैं फुजेरा गया, शारजा, अबू धाबी, जबर अली। अच्छा, घूमने के एरियाज में किधर किधर घुमाए? घूमने के एरिया सर आपका दुबई जो आपका बुर्ज खलीफा है उधर भी घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है। उसके बाद आपका बीच है उधर भी देखने का बहुत अच्छा जगह है। तो आप दुबई में कोई आना चाह रहा है तो उसको क्या मैसेज देना है? हम सर यही मैसेज देगा जो उधर से अपना ट्रेड होके आएगा और कम से कम 1000 के ऊपर सैलरी रहना मांगता है, और मान लीजिए इधर तो ओवर टाइम का कोई गारंटी नहीं है, ओवर टाइम चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो सिर्फ बेसिक। आपका पेंटर ट्रेड है या क्या ट्रेड है? पेंटर का ट्रेड है मतलब कम से कम 1000 बेसिक होना चाहिए। ओवर टाइम का इधर कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, 1000 के ऊपर। अच्छा, वो बोलता है, लोग बोलता है कि एजेंट लोग इंडिया से जब आता है पैसा खा जाता है, क्या ये सर? हमारे हम तो 3-4 बार लगाए, 2-3 दफा आया, 3 दफा मेरा पैसा कोई नहीं खाया। हाँ, मुंबई में कोई 100 में 10% 5% दलाल मिल जाता है खाने के लिए, बाकी सब नहीं ऐसा है। यानी 5-10% ऐसा भी लोग रहता है जो खाने वाला रहता है, यानी अक्सर लोग तो सही से काम करता है, आसानी के तरीके से यहाँ पे आ जा सकता है। अच्छा, तो आपको कुछ कैसा दलाल कैसा है, कैसा चेक करना है? दलाल तो यही सर बोलेगा टेम्पोररी वीजा दिखा देगा, मैं तुम्हारा वीजा आ गया, बस वीजा आपको पकड़ा दिया, बोलेगा 50,000 रुपया दे मेरे को थमा दो। वो 50,000 किधर से लेके आएगा मालूम नहीं है, वो घर बेचेगा कि खेत बेचेगा, वो तो दे दिया आपको विजिट वीजा किधर भेज देगा। अच्छा, आप मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं आने से पहले आप चेक करो कि काम वाला वीजा चाहिए, एम्प्लॉयमेंट वीजा चाहिए। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीजा है तो आप चेक करो वीजा सही है तो जब पैसे दे दो उसके बाद आ जाओ। अगर आपको विजिट वीजा देके काम पे बुला रहा है तो मत आओ, ताकि फिर इधर आके फंसने का नहीं। सही है। तो आप और कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? ओके, थैंक यू।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा।